बाबा ठीक कह रहे हैं सुजॉय, तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आखिर किसी ना किसी को तो उस राहुल सब्रवाल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वो गलत है और हम उसे सजा दिलाकर ही रहेंगे। शालीन, जो कॉन्सर्ट है ये आगरा में होने वाला है ना? हाँ। Lovely, isn't it? इसका मतलब है कि इस बार भी तुम कॉन्सर्ट में सिर्फ बुकिंग और अरेंजमेंट्स करने वाले हो। अपना मुंह खोल के डैड से बात कब करोगे? डैड से क्या बात करनी है? यही कि तुम भी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना चाहते हो। हाँ ठीक है, मैं डैड से कल बात करता हूँ। अभी वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। रोज कल 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 होता है तुम्हारा। You know what, Charlie? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जैसा डरपोक आदमी नहीं देखा। अगर पहले तुमने थोड़ी सी हिम्मत की होती ना, तो आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। Charlie, you are such a coward. कितना बुरा इंसान है वो राहुल। पैसा और पावर का ऐसा गुरूर के बेचारे सुजॉय पे हाथ उठा दिया। वो भी इसीलिए कि सुजॉय ने उसे एक दूसरी लड़की के साथ देख लिया था। इतने कमजोर हैं बाकी सब लोग कि किसी ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं, आगे बढ़कर सुजॉय को बचाया नहीं। लोगों के प्यार और रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा उठाना तो कोई राहुल से सीखे। जहां एक तरफ उसके जैसा मतलब इंसान है, वहीं दूसरी तरफ वो रिकॉर्ड भिजवाने वाला। नाम तक नहीं जानती उसका, पर कितना साफ दिल का, कितना अच्छा है वो। इतना अजीब सा दिन है ना आज, एक ही दिन दो विपरीत लोगों से सामना हुआ। वो रिकॉर्ड भिजवाने वाला जो भी है हमेशा खुश रहे, और वो राहुल, आई होप उसने जो कुछ भी किया है उसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा। मानदी, यहाँ अकेले खड़ी रह के क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ। आओ यहाँ बैठो। बेटा, हमें बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो मैं तुझसे पूछना चाहती थी कि सुजॉय कैसे लगा तुझे? जल्दी 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 रेडी हो जाओ, हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना है। सुजॉय नहीं आएगा आज, हम बताएगा ओ राज सबरवाल का बेटा राहुल सबरवाल को कि कॉमन मैन का पावर क्या होता। बस इंस्पेक्टर, राहुल अकेला नहीं आएगा, मैं खुद आऊंगा उसके साथ। अरे कितना टाइम हो गया है इधर, क्या हम टाइम वेस्ट करने के लिए आया है? ये राहुल सबरवाल किधर है? बुलाओ उसको, दोबारा फोन करो। देखो इंस्पेक्टर, हम तुमको बोलता है FIR लॉज करो उसके नाम पे और उसको घर से उठा के लेके आ। बीस साल बाद देख रहा हूं तुझे, कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है, वहीं का वहीं, शायद पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया। उस वक्त तो कुछ चांस भी था कि जिंदगी में कुछ कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज वो भी नहीं। तो ये रास्ता चुना तूने मुझ तक पहुंचने का, मेरे बेटे के जरिए। ए, तेरा चेहरा देखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। तुम्हारा बेटा शरीफ लोगों के साथ मारपीट करता है, गुंडा है तेरा बेटा उपमन्यु। आवाज नीची करके बात करो। और क्या कहा था तुमने? शरीफ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो लड़का शरीफ है? मैं से चार विटनेस खड़े कर सकता हूं जो ये बयान देंगे कि राहुल ने जिस लड़के को मारा वो वहां किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। झूठ, झूठ बोल रही है। वहां पर खड़ा हर इंसान ये बयान दे सकता है। पैसे देके तुमने स्टेटमेंट बदलवाया होगा, पैसे देके तुमने गवाह खरीदे होंगे। मिस्टर चटर्जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की बातों पर अपना वक्त जाया करूं। इस आदमी का शकल हम जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहता, इसलिए हम केस विथड्रॉ कर लिया। आज का ये जंग ये जीत गया। जंग?